शनिवारी अमावस्या पर उज्जैन में शिप्रा नदी के पानी सूखने और नर्मदा का पानी उज्जैन में नहीं पहुंचने का पूरा मामला बेहद गंभीर हो गया है। मुख्यमंत्री कमलन द्वारा इस पूरे प्रकरण को बेहद गंभीरता से लेकर मुख्य सचिव से यह कहा गया है कि वे जांच करके तुरंत रिपोर्ट दें। उन्होंने यह भी पूछा है कि जानकारी होने के बाद भी श्रद्धालुओं के स्नान को की अवस्था क्यों नहीं की गई, नर्मदा का पानी शिप्रा में क्यों नहीं आया और इसके पीछे क्या कारण है, किसकी लापरवाही है, पूर्व से ही सारे इंतजाम क्यों नहीं किए गए। कमलनाथ ने कहा कि मेरी सरकार में धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मकर संक्रांति पर और भविष्य में इस तरह की परिस्थिति दोबारा निर्मित न हो यह सुनिश्चित किया जाए। शनिश्चरी अमावस्या पर नहाने के लिए नर्मदा का पानी उज्जैन नहीं आने से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की किरकिरी हुई थी। शिप्रा नदी में डुबकी लगाने आए लोगों को डबरी में समाये खान के गंदे पानी में स्नान करना पड़ा था। फव्वारे से स्नान की वैकल्पिक अवस्था भी ठप हो गई थी और इस पूरे मामले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।